नमस्कार साथियों, मैं घनश्याम, आप सभी का अपने YouTube चैनल फिटनेस विद घनश्याम में स्वागत करता हूं। साथियों, जैसे कि हम देखते हैं, हम वर्कआउट करते हैं या वर्कआउट नहीं भी कर रहे हैं, घर में भी रहते हैं, तो हमारे बैक में पेन बहुत ज़्यादा होने लगा है। हर उम्र की व्यक्ति को होता है, जैसे कि चाहे वो कम उम्र का हो, ज़्यादा उम्र का हो, सभी को बैक पेन होता है। उसको दूर करने की कुछ एक्सरसाइज हैं, कुछ स्ट्रेचिंग है, जिससे हम अपनी बैक पेन को सही कर सकते हैं। और हम जैसे कहीं जिम में जाते हैं, तो जिम में जाने से भी हम जब भी अगर कोई ऐसा काम करते हैं, वजन उठाते हैं, तो अचानक से हम ऐसा उठा लेते हैं कि जिससे हमारी वजन हमारा पड़ना चाहिए, वेट पड़ना चाहिए पैरों पे या हाथ पे, तो कमर पे पड़ जाता है। अचानक से उठाने में तो हमारी कमर दर्द होने लगती है, या फिर कोई पुरानी चोट है, पुरानी चोट के कारण भी कमर में दर्द होने लगता है। तो कुछ ऐसी एक्सरसाइज है, स्ट्रेचिंग वगैरह है, जो मैं बताऊंगा आज, जिससे हम अपनी बैक पेन को जो है हम सही कर सकते हैं। तो आज हम देखते हैं कि पहले हमें सबसे पहले अगर किसी की बैक पेन हो रही है, सबसे पहले हमें स्ट्रेचिंग करनी है। स्ट्रेचिंग के बाद में हमारे ट्रिगर पॉइंट होते हैं, ट्रिगर पॉइंट और रिलीजिंग पॉइंट, उसको हमें रिलीज करना है। उसके बाद में फिर हम कुछ हमारी एक्सरसाइज है जो मैं आज आपको बताऊंगा, एक्सरसाइज के जरिए स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज हमारी मसल्स में स्ट्रेंथिंग आ जाती है, तो फिर हमारे बैक पेन जो है वो ठीक हो जाता है। तो चलो अपन देखते हैं कि चरणों में आ जाइए। सबसे पहले हम देखेंगे कि जैसे अगर हमें बैक पेन हो रहा है, तो सबसे पहले हमें उसकी स्ट्रेचिंग करनी है, बैक पेन की स्ट्रेचिंग करनी है। जब भी स्ट्रेचिंग हो जाएगी, स्ट्रेचिंग होने के बाद में फिर हम करेंगे अपनी, इसके पॉइंट रिलीज होते हैं, तो पॉइंट हम जो ट्रिगर पॉइंट होते हैं उसको हम रिलीज करेंगे। तो सबसे पहले हम स्ट्रेचिंग कर लेते हैं, नॉर्मल तरीके से हमें स्ट्रेचिंग करनी है। देखते भी रहना है कि हमारे जो है, जिसको बैक पेन है उसको ज्यादा दर्द ना हो और ज्यादा दर्द महसूस नहीं होना चाहिए। आराम से कर लेते हैं स्ट्रेचिंग उसकी। उसको बैठना भी इस तरीके से, ताकि हमारा जो एंगल है, पैर का एंगल है या हमारा खुद का भी है, वो सही तरीके से बना रहे। हम जब भी ले जाएंगे, ये हमारी हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेचिंग हम करने वाले हैं। हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेचिंग जब भी करते हैं, हमें पैर उतना ही ले जाना है, 90 डिग्री से ज़्यादा पैर हमें ऊपर नहीं ले जाना। अगर किसी का कम जा रहा है, तो हमारी हैमस्ट्रिंग जो है टाइट है, उसको हमें स्ट्रेचिंग की और एक्सरसाइज की बहुत ज़रूरत है। हैमस्ट्रिंग हमारी टाइट रहती है, अगर 90 डिग्री ज़्यादा ऊपर भी जा रही है, तब भी हमें नहीं ले जाना है। इस तरीके से हम एक पैर की कर लेंगे। ऐसी सेम एक्सरसाइज जो है हम दोनों पैर की कर लेते हैं। स्ट्रेचिंग करने के बाद में हम जहाँ रखेंगे पैर को बदली कर लेते हैं। ये हमारे यहाँ पर एक TFL बैंड होता है और IT बैंड, तो ये हमारी TFL की स्ट्रेचिंग करेंगे। ये नीचे डाउन कर लेते हैं, चेंज कर लेंगे, पैर की बदली कर लेंगे। पलट जाइए, पलटने के बाद में हम इसको और थोड़ा सा और स्ट्रेच करेंगे ग्लूट्स को। स्ट्रेचिंग करते समय ये भी देखना है कि सामने वाले को ज्यादा असर तो नहीं पड़ रहा है, जो ज्यादा पेन तो नहीं हो रहा है, और आराम आराम से करते जाएंगे। अब जब भी करते हैं, अब यहाँ से हम, अब इसके बाद में हमें इधर से यहाँ से उसका स्ट्रेचिंग करनी है। तो हम पैर को उठाएंगे, यहाँ से सीधा रखें, घुटने से घुटने से सीधा पैर को नॉर्मल उठाना, इस तरीके से यहाँ से उठाएंगे और यहाँ से दबा के रखना है। लेग चेंज कर लेते हैं, डाउन, दोनों हाथ पीछे, गर्दन को साइड में उठा दीजिए, हाथ को नीचे रखना। हमें कमर ठीक करने से पहले, इसकी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करने से पहले, पूरी बॉडी को जो हमें रिलीज करना होता है। गर्दन को साइड में कर लें कहीं, सांस को ले अंदर, बाहर छोड़ो, सांस को अंदर लें, बाहर छोड़ा, बॉडी ढीली, इस तरीके से हम अपनी बॉडी को जो है ढीला कर लेते हैं, स्ट्रेचिंग कर लेते हैं। इसके बाद में हमारी बॉडी में जो है ट्रिगर पॉइंट होते हैं, तो ट्रिगर पॉइंट को हमें रिलीज करना है। रिलीज करने के बाद में फिर हम इसकी रीएडजस्टमेंट करेंगे, हमारी कमर को रीएडजस्ट करेंगे। रीएडजस्ट करने के बाद में फिर हम इसकी कुछ एक्सरसाइज होती हैं, जो स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज है मसल्स की, हम डेली करेंगे, तो हमारी जो है कमर जो है ठीक हो जाता है। हम नॉर्मल देखेंगे, यहाँ से हमारी बॉडी में कुछ ट्रिगर पॉइंट होते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से काप का कर लेते हैं, नीचे भी होता है यहाँ पर,
यहाँ का छोड़ देंगे, घर से कर लेते हैं। ये हमारे जो है ट्रकर पॉइंट हमने रेस कर लिए, अब हम देखेंगे कि आप पलट जाइए उसको रीएडजस्टमेंट करेंगे। तो इसके लिए हमें एक तरफ जो है एक तकिए की ज़रूरत पड़ती है, तकिया हम रख सकते हैं, अभी फ़िलहाल नहीं है तो हम नहीं रखेंगे। तकिया रखने के बाद में इस तरीके से हम उसको दबाएंगे, ज़्यादा ज़ोर भी नहीं देना है, इतना दबाएं कि उसको ज़्यादा दर्द भी ना हो और हमारा दर्द जो है ठीक हो जाए। अब पलट जाइए, हाँ पैर को बाहर की तरफ फोल्ड करें, घुटने से ऐसा फोल्ड कीजिए इधर आगे की तरफ, ये इस तरीके से यहाँ फोल्ड करके हम इसको यहाँ भी दबाएंगे। लेग चेंज कर लेते हैं, पैर को सीधा कर लें, करवट में आ जाइए मेरी तरफ। अब इसके बाद हम इसका रीजेस्ट करेंगे तो हमें कमर को चटकानी पड़ेगी। इस पैर को फोल्ड कर लें, फोल्ड करना होता है इस तरीके से। ये जो है रीएडजस्टमेंट ये टेबल पे होता है, अभी चूंकि टेबल नहीं है तो हम जमीन में बता देते हैं आराम से। ये हाथ पे यहाँ रख लें, इसको यहाँ रख लें, इस तरीके से। अब पलट जाइए, सर इधर करना, पैर इधर करना, ताकि बहुत हो जाएगा। ये हमारा है बैक, हमने अपनी जो है रीएडजस्टमेंट उसका कर लिया है, गिरा थोड़ा मड़ी को। उठ के बैठ जाइए, अब इसकी कुछ एक्सरसाइज होती हैं जो हम बैक की एक्सरसाइज करेंगे जिससे हमारी जो है कमर दर्द एकदम ठीक हो जाएगा। ये स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज है, हम कब भी एक्सरसाइज करते हैं, जिम में जाते हैं, नॉर्मल वर्कआउट भी करते हैं, हम क्या करते हैं कि फ्रंट की एक्सरसाइज हम कर लेते हैं, बैक की और साइड की रह जाती है, जिससे मसल्स कमज़ोर होने के कारण हमारे उसमें कमर में दर्द होने लगता है। कुछ एक्सरसाइज मैं बताऊँगा जो आपको करनी है जिससे हमारी जो कमर दर्द जो है ठीक हो जाएगा। आप लेट जाए, सीधा लेटें, पैर को फोल्ड कर लें घुटने से, ये नीचे रखना है, कैसे रखना है उसको फोल्ड करें इस तरीके, दोनों हाथ पहलू हैं ये। अब यहाँ से हमें ये एक्सरसाइज करनी है, हर एक्सरसाइज के 10 रिपीटेशन हमें लगानी है। कमर को ऊपर उठाएंगे, अप, गुरु ऊपर उठाइए, डाउन अप 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 डाउन। उठ के बैठ जाइए, अब यहीं से हम लगाएंगे जो पीछे हम लगाते हैं। अब हम करेंगे सुपरमैन वाली एक्सरसाइज करेंगे, तब उल्टा लेट जाए। सुपरमैन एक्सरसाइज में दोनों हाथ हमारे सामने रहते हैं, दोनों पैर को उल्टा ना पंजे को। अब इसमें जब करने वाली एक्सरसाइज ये है, जब भी हम करते हैं तो दोनों हाथ अपर बॉडी और लोअर बॉडी एक साथ ऊपर उठेगी, इसमें पैर जो है हमारे घुटने से फोल्ड नहीं होंगे।
ऊपर जाते समय सांस को हमें बाहर निकालना है और नीचे आते समय सांस को हमें अंदर लेना है। दोनों हाथ को सीधा रख लें, एक साथ उठाएंगे ऊपर बॉडी लोअर बॉडी ना, क्लियर है? अप डाउन, 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 उठ के बैठ जाइए। अब हमारे पास में साइड में भी हम करेंगे, साइड की जो एक्सरसाइज होती है साइड लेग रेस कर लेते हैं, फिर से लेट जाएं, करवट लेके पंजे के ऊपर पंजा, एड़ी के ऊपर एड़ी। अब यहाँ से ये हाथ को अपन जो विष्णु वाली सही है ना, ऐसा रख लीजिए थोड़ा नीचे, ये ऊपर बॉडी उठा कर रख लीजिए ऐसा। अब साइड लेग रेस करेंगे हम, यहाँ से पैर को सीधा उठाना है, उठा ऊपर, अप डाउन, अप डाउन, ज़्यादा नहीं नॉर्मल, अप डाउन इतना, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। इस तरीके से हम इस एक्सरसाइज को दोनों पैरों से कर लेंगे। उल्टे लेट जाइए, हम करेंगे एक एक्सरसाइज हमारी हाइपर होती है, इसमें ओनली अपर बॉडी हमारी उठेगी, लोअर बॉडी हमारी नहीं उठेगी। दोनों हाथों गर्दन के पीछे ग्रिप करें, केवल अपर बॉडी उठेगी। इसमें भी सेम है, जब भी हम ऊपर आते हैं तो सांस को हमें बाहर निकालना है और नीचे आते समय सांस को अंदर लेना है। अपर बॉडी उठेगी, लोअर बॉडी नहीं उठेगी, पैर पीछे रखना, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। उठ के बैठ जाइए, थोड़ी देर रुक लेंगे उसको। एक एक्सरसाइज हमारी हम बैठ के कर सकते हैं, ये हमारा थायरा बैंड है, ये पाइप वाला है, ये आता है हमारा पट्टी वाला आता है, तो थायरा बैंड लेके हम इसको एक्सरसाइज को हम करना है, इसको अपनी तरफ खींचे डाउन, धीरे छोड़ो, अप डाउन, अप डाउन, पूरा खींचना है, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, बस इसको छोड़ दें। इस तरीके से ये हमारी जो है इसकी स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज है, कमर की मसल्स की स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज है। हम ये अगर ये करते हैं, हर एक्सरसाइज की हमें 10-10 रेप्स लगानी है। अगर हम डेली एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी कमर दर्द जो है एकदम ठीक हो जाएगी, मसल्स हमारी मजबूत हो जाएगी, उसमें पावर आ जाएगा, स्ट्रेंथिंग आ जाएगी, तो फिर उसमें कभी कमर दर्द हमारा नहीं होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, चैनल।